प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हूँ। आइए बगैर देर किए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर दो, गोले दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए आर इज इक्वल टू 2f, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ऑप्शन डी आर इज इक्वल टू एफ। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो उनमें क्या संबंध है? ऑप्शन ए एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ऑप्शन बी एफ इज इक्वल टू आर 2r, ऑप्शन सी एफ इज इक्वल टू 3r/2, ऑप्शन डी एफ इज इक्वल टू 0। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए एफ इज इक्वल टू r/2। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगले प्रश्न की बारी है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी सी और एफ के बीच से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि फोकस बिंदु, यानी कि अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। पांचवा प्रश्न, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी समतल तथा उत्तल। इस प्रश्न को भी आप अपने घरों में आसानी से इस प्रश्न का आंसर ढूंढ सकते हैं। जब सुबह आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो आप लोगों को ज्ञात होता होगा कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब सदैव बराबर रहता है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है समतल दर्पण। छठा प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी 2। इसी प्रकार से सातवां प्रश्न, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? ऑप्शन ए दर्पण से, ऑप्शन बी लेंस से, ऑप्शन सी प्रिज्म से, ऑप्शन डी कांच की झिल्ली से। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा होता है, अर्थात इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या एफ सेंटी किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। बड़ा ही सरल प्रश्न का उत्तर है। यदि वक्रता त्रिज्या 50 है तो फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इस प्रश्न का जवाब बड़ा ही सरल है, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर। दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि प्रकाश लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो याद रखना दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है।
अगला और आखिरी प्रश्न, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, सॉरी दोस्तों इस प्रश्न को दोबारा पढ़ता हूँ, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक ऋणात्मक, ऑप्शन डी इन्फिनिटिव यानी कि अनंत। तो इस प्रश्न का उत्तर है किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसी के साथ हमारे 10 प्रश्नों का आंकड़ा पूरा हुआ, और यदि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे और आगे और चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाऊं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।